सो गाइज, रिसेंटली मैं रोहित खत्री के चैनल पे गया और वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी जो रिसेंटली उन्होंने डाली है, 5 बेस्ट एंड 5 वर्स्ट एप्स की एक्सरसाइज। सो जानते हैं, वीडियो में ही जानते हैं कि क्या है कहानी और क्या है सच्चाई। सो चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो होगी रोहित खत्री की आवाज़, उसके बाद मैं आपको उसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, बहुत मजा आने वाला। वेलकम बैक टू योर चैनल माई सेल्फ मयंक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली ये होने वाली है बेस्ट, तो पहले स्टार्ट करते हैं 5 वर्स्ट एब्स एक्सरसाइज जो आपको अवॉइड करनी है। जो 10वीं एक्सरसाइज होने वाली है वर्स्ट एब्स के लिए, वो होने वाली है डंबल साइड बेंड्स। अब आप हर जिम में इस एक्सरसाइज को करते देखते हो, जहां पर ऐसे साइड में डंबल पकड़ के या दोनों हाथों में डंबल पकड़ के ऐसे करते हैं। ये देखो कहां मसल टेंशन आ रही है, ओब्लिक्स पर, इनसाइड्स पर। बट अगर आप एब्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो छोड़ दो भाई, हो तुम्हारे भाई ने कह दी ना एक बार, तो छोड़ दो। अब बात सो गाइज, यहाँ पे आप मेरे से एक बात बताओ कि हमारा जो कोर का जो मसल है उसके अंदर कौन सा ऐसा प्रॉपर बॉडी बिल्डर आपने देखा कि जो ऑब्लिक्स को ट्रेन नहीं करता, सिर्फ एप्स को ट्रेन करता है, और बिना ऑब्लिक्स या बिना एप्स आए उसके दोनों चीज प्रॉपर मसल्स जो है वो ट्रेन होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो कोर का जो प्रॉपर मसल एरिया वो स्टमक एरिया से स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल तक जाता है, जिसके अंदर हमारे ऑब्लिक्स, लव हैंडल्स और हमारा एप्स का जो प्रॉपर एरिया है वो तीनों चीज़ें कवर होती हैं। भाई ने हमें कहा है कि ऑब्लिक्स का वर्कआउट हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो एप्स का पार्ट नहीं है, एप्स का पार्ट नहीं है, बट हमारी कोर का तो पार्ट है। अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज जो उन्होंने बताई सबसे वर्स्ट एक्सरसाइज है, सो उसको भी जान लेते कि उसमें इन्होंने क्या कहा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 की, जो कि वर्स्ट है एब्स के लिए, वो है साइकिल क्रंचीज। आप जिम में लोगों को देखते होंगे ऐसे करके हाथ लगा के पीछे, ऐसे घुटनों को मोड़ के, भाइयों ये बताओ आप साइकिल चलाओगे तो बाहर जाके चला लो, ये एक्सरसाइज में चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज भी आपके एब्स पर काम ना करके कहां पर काम करेगी, थोड़ा बहुत आपके साइड ओब्लिक्स पर। तो ये एक्सरसाइज किसी भी तरीके से अगर आप कर रहे हो कोहनी को ऐसे करके या पीछे करके ऐसे, रोक दो भाइयों, रोक दो, साइकिल चला लो बाहर जाके, रहने दो। अब बात करते हैं सो गाइज, इसमें भी वही सेम इनका कहना है कि हमारे को अपने ऑब्लिक्स को ट्रेन नहीं करना, सिर्फ हमें अपने एप्स को ट्रेन करना है। और जो इन्होंने साइकिल बताई है वो साइकिल में गारंटी दे रहा हूँ कि जो बिगिनर्स जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बिगिनर्स स्टार्टिंग में ये साइकिल भी प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाएंगे, जिसके अंदर हमें अपना हेड पोजिशन को ऊपर रख के प्रॉपर तरीके से ऑब्लिक्स को ट्रेन करना होता है, वो भी नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की और, जो कि इन्होंने बताई है वर्स्ट एब एक्सरसाइज नंबर 8 की, जो होने वाली है साइड ट्विस्ट। एक बॉल पकड़ते हैं, डंबल पकड़ते हैं, बॉल ऐसे पकड़ते हैं जैसे 150 किलोमीटर फेंक देंगे, वो ऐसे करके बोट चलानी है क्या आपको? ये देखो क्या हो रहा है भाई, ये एब स्ट्रेन हो रहे हैं क्या आपके? लोअर बैक में पेन हो जाएगा, 5 सेट लगा के देख लेना, गारंटी देता हूं। अब बात करते हैं भाइयों सो गाइस, सबसे साइंटिफिक जो तरीका गया बताया गया हमारी प्रॉपर तरीके से एप्स को ट्रेन करने का, वो ये तरीका है कि हमारे एप्स के अंदर 3 से 4 मसल्स हैं, और जिसके अंदर हमारी प्रॉपर तरीके से स्टमक का एरिया भी आता है और लोअर बैक का एरिया भी आता है। अगर आप एप्स ट्रेन कर रहे हो तो उसके अंदर लोअर बैक का यूज़ उसके अंदर 101% होगा। आप कुछ भी कर लो, जो आगे बेस्ट एक्सरसाइज बताएंगे उसके अंदर भी हमारा लोअर बैक का यूज़ होएगा, बट ये आपको ऐसे बताया जा रहा है कि आपकी लोअर बैक में इंजरी ना आ जाए। तो इसके ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि जो कि हर बच्चा करता है, मैंने भी खुद करी थी अपने एक टाइम पे, जब मैं बहुत पीक लेवल पे एप्स के पहुंच गया था उस टाइम पे भी मैं इस एक्सरसाइज को करता था, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज की आपके लव हैंडल्स और ऑब्लिक्स के लिए। ऑब्लिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस एक्सरसाइज से, क्योंकि जो बॉल होती है उसके अंदर काफ़ी बेनिफिट होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसके अंदर मैं 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज दिखाने वाला हूं, जो कि एप्स के लिए होगी, बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट तक उसको कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड पार्ट इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का भी हम लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई ने जो अपनी चौथी एक्सरसाइज बताई जो कि सबसे वर्स्ट है, वो बात कर लेंगे, और आगे इन्होंने एक जो प्रमोशन किया है उसकी भी बात करेंगे। साइज नंबर 7 जो कि वर्स्ट होने वाली है एब्स की, प्लैंक्स। प्लैंक्स कैसे भूल दिया भाई, प्लैंक्स तो यार बढ़िया एक्सरसाइज है भाई। यो प्लैंक्स आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करती है, कोर को, यहां बात हो रही है एब्स की, ठीक है? कोर मतलब आपके ये जो पेट वाला हिस्सा होता है, इस कोर को स्ट्रोंग करने में
प्लैंक्स हेल्प करते हैं। अब मेरे को गाइस आप एक बात बताओ, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आप मेरे को बताना कि जो साइंटिफिक फैक्ट है वो क्या कहता है, और भाई ने हमें क्या बोला है कि हमारे को अपना कोर को स्ट्रांग नहीं करना है। सो कोर को स्ट्रांग क्यों नहीं करना है, उसका रीज़न आपको इस फोटो के अंदर आप प्रॉपर तरीके से समझोगे कि कोर को स्ट्रांग क्यों नहीं करना है। सो आइए दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट्स के अंदर कि कोर जो मसल होती है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड वंडरिंग वेयर टू बिगिन, स्टार्ट विद योर कोर फर्स्ट। ये हमें ऐसा गूगल और साइंस कहती है। सेस फिजिकल थेरेपिस्ट ने ऐसा कहा है जो कि ब्रिटेनी स्मिथ जो DPT है। सो पीपल ऑफन यूज कोर मसल एज बींग द एबडोमिनल मसल, बट द कोर मसल इंक्लूडिंग द मसल इन द एबडोमिनल बैक एंड हिप्स ऑल आर वर्किंग टुगेदर एज अ ग्रुप। अब बात करते हैं दूसरे की और फैक्ट की, और शुड आई डू कोर और एब्स क्वेश्चन मार्क, क्या हमें क्या कोर करना चाहिए एब्स करना चाहिए। कोर मसल्स एक्सरसाइज आर बेटर फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, कोर मसल्स आर बेटर देन एब्स। वाई, क्यों? योर कोर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप इन द एंटायर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे मेन और सबसे एंटायर मसल्स है वो हमारे कोर का माना जाता है, क्योंकि कोर के अंदर जैसा कि हमने रिवील किया कि हिप्स बैक और एबडोमेन जो प्रॉपर तरीके से होती है वो चारा प्रॉपर ग्रुप काम करता है उसके अंदर। और भाई ने हमें कहा है कि कोर को ट्रेंड ही नहीं करना क्योंकि उससे हमारे लोअर बैक में इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, और अगर आप जिम में 25 दिन चले जाओगे तो आप ये 1 से 2 से 3 मिनट तक भी होल्ड कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं प्लैंक्स पे आ गया, क्या करूं भाई, ऐसे एब्स बन जाएंगे। अब बात करने वाले भाइयों, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा बिगिनर जा रहा है स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में उससे प्लैंक नहीं हो पाएंगे, सो उसका कोर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा सो उसके एब्स कैसे बिल्ड होंगे और कैसे मेंटेन होंगे, कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। हमें भाई ने बोल दिया कि आपको प्लैंक को नहीं करना है। प्लैंक को इसलिए नहीं करना क्योंकि इससे आपके एब्स ट्रेंड नहीं होंगे, इससे आपके कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब तक बंदे की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी वो बॉडी बिल्ड कैसे कर सकता है। अगर आप बेंच प्रेस भी 5 किलो के नहीं मार पा रहे हो, उसके बाद 10 किलो के नहीं मार पा रहे हो, 30 किलो के नहीं मार पा रहे हो, सो आपके चेस्ट डेवलप कहाँ से होगी जब तक उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मसल टेंशन और उसके ऊपर मसल पे स्ट्रेस प्रेशर रिलीज नहीं होगा, जब तक तब तक वो कैसे डेवलप होगी। सो भाई का कहना है कि हमें प्लैंक भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे एब्स नहीं बनेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की एक्सरसाइज, वो होने वाली है आपकी सिटअप्स। ये बता दो किस इंसान ने आज तक सिटअप्स नहीं लगाई। ये देखो ऐसे ऐसे पीछे गए और कुछ हद तक आपके एब्स यहां पर ट्रेन हो रहे हैं, बट अगर कुछ हद तक ही एब्स चाहिए तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज में भी आपकी जो बैक है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो इंजर्ड हो जाए। एब्स तो ट्रेन हो रहे हैं बट जब इससे बहुत अच्छी है अगर आपको। सो गाइस जो इन्होंने बात कही सिटअप्स की, वो आगे मैं आपको इनकी जो बेस्ट एक्सरसाइज है उसकी एक क्लिप में बताऊंगा जो भाई ने अपनी खुद की बनाई हुई एक्सरसाइज है उसकी बात करते हुए मैं बताऊंगा कि क्या वो सिटअप्स की तरह मार रहे हैं नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है बस। लोअर बैक फॉलो करनी है। और पिछली वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई अगर हमें सिर्फ एक सप्लीमेंट खरीदना हो, कोई भी एक, कौन सा हमें खरीदना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट होना चाहिए भाइयों आपका क्रिएटिन। क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट। अब बात कर लेते हैं कि जो भाई ने हमारे को सप्लीमेंट बताया प्री वर्कआउट के तौर पे, जो कि हमें सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना चाहिए, उसके अंदर आप क्रिएटिन ले सकते हो, वो भी बिग मसल का। सही सुना आपने, बिग मसल। बिग मसल आपको पता है कितना तगड़ा फ्रॉड कर रही है आज के डेट में, और बिग मसल के अंदर जो अमीनो स्पाइकिंग वगैरह हो रही है वो आपको इसके बारे में अवेयर हो कि नहीं हो, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सरशिप ले तो लेते हैं पैसों के चक्कर में बट उसकी वो प्रोफाइल चेक नहीं करते हैं। फाइनली गाइज बिग मसल्स को आपको कैसे रिवील मैंने एक्सपोज करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भाई कह रहे हैं कि बिग मसल का हमें क्रिएटिन लेना है, इसके आगे मैं एक चीज़ और डिस्कस करूंगा जो लास्ट में उन्होंने हमारे को बताई है, जिसका एक गिव अवे करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो बने रहना वीडियो में, आगे चलते देखते हैं कि इनकी बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है 5 की, वो देख लेते हैं। 5 बेस्ट एब्स एक्सरसाइज की तरफ, हैंगिंग नी रेजेस। अपनी नी को बेंड कर दिया आपने, अब क्या होगा, जो आपका स्विंग है ना बैक का वो खत्म हो जाएगा। तो गाइस इन्होंने भाई ने अब बात करी है कि बेस्ट एक्सरसाइज के अंदर कौन सी है, हैंगिंग नी रेजेस। मैं मानता हूँ एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, बट क्या इस एक्सरसाइज के अंदर लोअर बैक पे पेन आने के चांसेस नहीं है? सबसे ज़्यादा लोअर बैक पे पेन आने के चांसेस इसी एक्सरसाइज में, और ये बिगिनर बच्चा स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा। और इसको स्टार्टिंग में आपको अगर कर रहे हो तो इसके अंदर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, और नहीं लग रही है तो
जिस फॉर्म में आपसे लग रही है उसमें लगानी है, बस इतना ध्यान रखते हुए कि आपको अपनी लोअर बैक का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखना है। अब बात करते हैं इनकी सेक्स सिक्स बड़ा हरामी हो बेटा सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज की ओर की, वो भी तो किसी ने खुद करके देखी है ना, इफेक्ट लगा है तभी वो आपको बता रहे हैं। नाम रख दिया एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का नाम है तुम्हारे भाई की बेस्ट एब्स एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कोई भी एब्स एक्सरसाइज जो आपके एब्स को पूरा स्ट्रेच करे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट और पूरा स्क्वीज। अब इस एक्सरसाइज को मैं कैसे करता हूँ, या तो आप बैठ सकते हो पर मैं खड़े होकर करता हूँ। ये देखो, अब बात कर लेते हैं भाई ने अपनी खुद की बनाई हुई बेस्ट एब्स एक्सरसाइज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो ये क्लिप देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रॉपर तरीके से सिटअप्स वाली पोजीशन ही है, बट इसके अंदर बंदा खड़ा होके मार रहा है, लेट के नहीं मार रहा, बट पोजीशन और एक्सरसाइज प्रॉपर सिटअप्स वाली है। और इसको देखने के बाद देख लेते हैं, अब हो क्या रहा है, स्ट्रेच, सारी हवा बाहर, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट और पूरा। तो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक्सरसाइज आपको देख के हंसी आई या नहीं आई ये कमेंट बॉक्स में बताना, बट क्या ये सिमिलर एक्सरसाइज हमारी सिटअप्स की तरह नहीं है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं इनकी नेक्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज की ओर। मैं रैंडम विनर चूज करूंगा और अपने कमेंट, जब आप करो ना, जब आप कमेंट करोगे साथ में अपना इंस्टाग्राम का हैंडल लिख देना कि ये मेरा इंस्टाग्राम है अपने आंसर के साथ, क्योंकि मैं जो विनर है, आपको पता होगा जो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, मैं नेक्स्ट डे मतलब जब भी ये वीडियो आएगी आप देखोगे उससे अगले दिन रात को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर विनर अनाउंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जिम जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, सुबह, दिन में, शाम को, रात को, या किसी भी टाइम आप जा सकते हो, कोई बेस्ट जिम का टाइम नहीं होता है। आप अपना आंसर कमेंट कर देना, साथ में अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिख देना, तो जो भी विनर होगा उसको मिलेगा अपने भाई की तरफ से। सो गाइस, लास्ट में भाई ने बात करी कि गिव अवे विनर की, जो कि सप्लीमेंट जो कि यूज करते हैं, जो सप्लीमेंट बिग मसल का इनको मिला वो प्रॉपर तरीके से आपको पता है कि वो सप्लीमेंट गलत है। सो उसका भाई क्या करेंगे, उसका भाई कर देंगे गिव अवे, जिससे कि जनता को पता क्या लगेगा, जनता को लगेगा कि हमारे को फ्री में सप्लीमेंट मिला है। और भाई का क्वेश्चन तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा और कितना हार्ड, यूपीएससी में आना चाहिए वाला क्वेश्चन, कि हमारे को वर्कआउट कौन से टाइम पर करना चाहिए, सुबह, मॉर्निंग में या फिर दोपहर में। सो ये बच्चा जानता है कि जिस टाइम पे जिसको सूट कर रहा है उस टाइम पे वो वर्कआउट करेगा, बट भाई ने यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ के उनको एक बहुत महंगा गिव अवे दे दिया जो भाई खुद यूज नहीं करेंगे। फेक सप्लीमेंट मैं ये रिवील नहीं कर रहा हूं अपने मुंह से कि वो फेक है या नहीं, बट बिग मसल के ऊपर जो फ्रॉड चल रहा है अमीनो स्पाइकिंग का, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि लैब टेस्ट के अंदर जो हमें देखने को मिला उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में खुद बताओ कि वो सप्लीमेंट में क्या दिक्कत चल रही है और क्या है अमीनो स्पाइकिंग का प्रॉपर, क्या स्कैम चल रहा है और कैसे स्कैम चल रहा है बिग मसल्स। और साथ में अभी एक कंपनी और आ रही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट उसके अंदर एक तो बिग क्या बोलते हैं मसल असाइलम करके एक कंपनी है जो कि मेरे पे हाल ही में प्रोडक्ट्स आए थे। सो उसके प्रोडक्ट मैं प्रॉपर तरीके से फेंकने वाला हूँ मार्केट के अंदर, मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा कि प्रॉपर तरीके से क्रिएटिन और BCAA कैसे मैं उसको फेंकने वाला हूँ, क्योंकि गलत सप्लीमेंट को यूज़ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है और अवेयर रहना है कौन सा एथलीट ऐसा है जो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा ऐसा एथलीट है जो आपको बेगुमराह कर रहा है। क्योंकि गाइज आज के डेट में क्या सीन हो गया, आज के डेट में वहीं पे व्यूज़ आते हैं कि जहाँ पे हमें गलत बताया जाता है या तो फिर जहाँ पे नंगा नाच दिखाया जाता है वहीं पे व्यूज़ आते हैं। जो बंदा सच्चाई या फिर सच्चाई के साथ देता है उसको टाइम तो लगता है बट उसके व्यूज़ कम आते हैं, टाइम लगता है क्योंकि वो ज़्यादा लंबा टिकने वाले खिलाड़ी होते हैं। सो आपको क्या करना है, ऐसे यूट्यूबर से अवेयर रहना है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ इस पर, एक बात क्लियर कर दूँ, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे यूट्यूबरों से थोड़ा सा देख के उनको कंटेंट को कॉपी करें और देख के उसके बारे में रिसर्च करें, सर्च करें, प्रॉपर तरीके से दिमाग लगाएं। यूट्यूब पे और भी ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, वहाँ पे आप उनकी वीडियोज़ जाके देख सकते हो कि क्या चीज़ हमारी मसल्स के लिए और क्या चीज़ हमारे न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। सो गाइज़, हम इस चैनल पर काफ़ी सारी रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ डालते रहते हैं जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं और काफ़ी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से जो सही होती है उनको सही तरीके से दिखाते हैं। मेरे पे बिग मसल असाइलम के जो प्रोडक्ट्स आए थे वो मैं चाहता था उसकी प्रॉपर तरीके से, मेरे को स्पॉन्सरशिप वहाँ से कैंसिल हो चुकी है, जो कि प्रॉपर तरीके से उनका जो मार्केटिंग इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एजेंसी है वहाँ से मेरे को स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो चुकी है। बट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैंसिल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों के पास एक गलत प्रोडक्ट या फिर गलत चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए।
सो ये थी वीडियो रिगार्डिंग कि रोहित खत्री ने जो हमारे को वर्कआउट दिखाया ऐप्स का, उसके अंदर क्या क्या गलती थी और क्या क्या हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं ऐप्स का प्रॉपर तरीके से वर्कआउट दिखाएंगे और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे मिलते हैं वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। हार्ड वर्क ब्रो।